नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आपके स्क्रीन पर सवाल फ्लैश होंगे तो उन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके तहत किसानों को 2,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जारी की गई है। हिमाचल चुनाव विभाग ने गृह मंत्रालय से मांगी 67 कंपनियां। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और भारी राज्यों से प्रतिबंधित शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 67 कंपनियां मांगी है। एक कंपनी में 80 से 100 जवान होते हैं। करीब 6,500 जवान चुनाव के दौरान अपनी सेवाएं देंगे। जवानों की तैनाती पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमा और मतदान केंद्रों में होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी ये कंपनियां तैनात रहेगी। हिमाचल प्रदेश सहित देश में बने 69 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग अलर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 69 दवाओं के सैंपल फेल हो गया है। इनमें बुखार, एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, उल्टी, अस्थमा, बैक्टीरियल संक्रमण, बेहोशी और मधुमेह आदि की दवाएं शामिल है। बिलासपुर जिला की 1, सोलन की 11 और सिरमौर में बनी 8 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। ये खुलासा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जारी सितंबर के ड्रग अलर्ट में हुआ है। देश भर से कुल 1456 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1397 सैंपल ही मानकों पर खरा उतरे है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 130 कर्मियों के नियमितकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के 130 कर्मचारियों के नियमितकरण पर रोक लगा दी है। इनकी भर्ती नियमों के विपरीत किए जाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित न किया जाए जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है। अदालत ने प्रदेश विश्वविद्यालय से उन कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया था जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर भर्ती किया गया है। याचिकाकर्ता ने ऐसे 130 कर्मचारियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए जाने का आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रतिवादी बनाया। अदालत ने याचिका में यह आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने के बजाय आउटसोर्स के आधार पर भरा जा रहा है। विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से भर्ती की जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाने के आदेश दिए जाए। विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग ने जारी की प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की छटनी 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे की जाएगी। 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार 29 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 12 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और चुनावी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 10 सितंबर को पूरी होगी। लोगों की सुविधा के लिए राज्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1800-332-1950 रहेगा। जिलों के लिए टोल फ्री नंबर 1950 है। विधानसभा चुनाव में करीब 13,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी कार्यालय शिमला में दिन भर मंथन चलता रहा। हिमाचल आम आदमी पार्टी प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सोमवार को 64 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट दावेदारों को शिमला बुलाया और उनसे अलग अलग बात की। हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 4 दावेदार पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है।
मंगलवार शाम तक आम आदमी पार्टी प्रभारी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। हिमाचल आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रत्याशियों को लेकर 3 सर्वे कराया है। इसमें जो आगे उन्हें पार्टी टिकट दिया जाने, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी, आम आदमी पार्टी सेक्स और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कृषि महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगी प्राकृतिक खेती। कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से लगातार व्यक्ति के शरीर को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए अब कृषि महाविद्यालयों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर और उसके बड़े पैमाने के उत्पादन को लेकर ICAR ने पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसे जल्द ही कृषि महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान प्राकृतिक खेती को अपने खेतों तक ले जा सके। विधानसभा चुनाव, सभी विभागों की वेबसाइट से जन प्रतिनिधियों के फोटो हटाने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। चुनावों की घोषणा होने के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत गत रविवार तक प्रदेश के सभी जिलों से 30,369 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों और दीवार पर बनाए गए विज्ञापन हटाए गए हैं। सभी विभागों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट से जन प्रतिनिधि और राजनेताओं के फोटो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव, 33 सीटों पर फंसा भाजपा में पेंच, संसदीय बोर्ड को भेजे 2 से 3 नाम। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के टिकट तय करने के लिए 33 सीटों पर पेंच फंस गया है। प्रदेश चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में 35 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के अकेले अकेले नामों के पैनल बनाकर संसदीय बोर्ड को भेजे गया है। चारों संसदीय सीटों में यही हाल है। कांगड़ा, शिमला, मंडी जैसे बड़े जिलों में भी असमंजस की स्थिति बनी है। प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने जिनके नाम भेजे हैं उनमें ज्यादातर सीटिंग विधायक है। मौजूदा समय में प्रदेश में भाजपा के 43 विधायक है, 2 कांग्रेस और 2 निर्दलीय भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में इन 4 विधायकों के क्षेत्रों देहरा, जोगिंदरनगर, कांगड़ा और नालगढ़ में पेंच फंसा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अनुशासन में रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, बगावत करने वालों से नहीं डरती कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर पार्टी का साथ देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बगावत करने वालों से पार्टी डरती नहीं है। युवा कांग्रेस का काम कांग्रेस की मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। अगर किसी ने बगावत करनी तो जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करे। चौपाल से सुभाष मंगलेट की नाराजगी पर सुक्खू ने कहा कि टिकट तो किसी एक को ही मिलता है, पार्टी हित में सभी को काम करना चाहिए। खबर, स्कूलों से विंटर वैकेशन स्कूलों को वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार कर विभाग को भेजने के निर्देश। विंटर वैकेशन स्कूलों में वार्षिक परीक्षा यानी SA2 की तैयारी विभाग ने अभी से शुरू कर दी है। समग्र शिक्षा की ओर से उक्त सभी स्कूलों को इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा गया है। इस दौरान स्कूलों को मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र तैयार कर इन्हें विभाग को भेजना होगा। इसके बाद विभाग इन प्रश्न पत्रों को अंतिम स्वीकृति देगा। विभाग से फाइनल होने के बाद स्कूल प्रशासन इस प्रश्न पत्रों को प्रिंट करवाएगा। विभाग ने सभी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 90 में से 76 डेलीगेट्स ने किया मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में भी मतदान हुआ है। इसके तहत प्रदेश के 90 में से 76 डेलीगेट्स ने मतदान किया, जबकि 14 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने जानकारी दी कि 66 प्रतिनिधि ने शिमला में मतदान किया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार सहित 10 डेलीगेट्स ने दिल्ली में मतदान किया है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, विप्लव ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, ठाकुर सिंह बुरमोरी सहित अन्य नेताओं ने शिमला में वोट डाला है। शिमला में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटी दिल्ली के लिए भेज दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता और हिमाचल मीडिया प्रभारी अलका लांबा और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की पर्यवेक्षक दीपा दास मुंशी ने भी शिमला में वोट दिया है। नर्सिंग की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की BSc नर्सिंग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष वार्षिक और BSc नर्सिंग प्रथम वर्ष की अनुपूरक परीक्षा नवम्बर माह में आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
परीक्षा फोरम फीस बिना विलम्ब शुल्क के। विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 3 मेडिकल साइंस के कार्यालय में 28 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हिमाचल में हो रहे और वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पर मांगे जा रहे हैं। साफ है कि बीते 5 साल में राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं कर पाई है जिसके बूते पर राज्य में प्रचार किया जा सके। शिमला में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्कू शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम रिवाज बदलने की बात कर रहे, लेकिन ये रिवाज उन्हें नहीं बदलना है, बल्कि अब मतदाताओं का ये अधिकार है कि वे किसे चुनते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पे क्लिक करने और सेट करने वाले लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई आसमान छू रही, लेकिन ऐसे मामलों पर राज्य सरकार बात करने को तैयार नहीं है। खबर बद्दी से नालागढ़ BDO कार्यालय का SEDPO 8000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस की बद्दी टीम ने नालागढ़ के BDO कार्यालय में तैनात सोशल एजुकेशन एंड ब्लॉक प्लानिंग ऑफिसर SEDPO संजय वर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस के अनुसार नालागढ़ में जनमंच कार्यक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने कैटरिंग का ठेका लिया था। जनमंच समाप्त होने के बाद जब ठेकेदार अपने बिल लेने के लिए BDO कार्यालय गया तो भुगतान नहीं किया गया। कई चक्कर लगाने के बाद भी जब बिल की राशि जारी नहीं की गई तो ठेकेदार ने SEDPO संजय वर्मा से बिल जारी नहीं करने का कारण पूछा, जिस पर उसने 10,000 रुपए की मांग रखी। ठेकेदार ने इस बारे में बद्दी विजिलेंस कार्यालय को सूचित कर दिया। सतर्कता विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदार सोमवार को आरोपी संजय वर्मा से मिला और उसे 8,000 रुपए दिए। इन नोटों पर पहले से विजिलेंस ने स्याही लगाई हुई थी। जैसे ही ठेकेदार ने संजय वर्मा को 8,000 रुपए दिए तो विजिलेंस की टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। SP विजिलेंस अंजू मारा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने संजय वर्मा के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में PC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संजय वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। छात्रा मर्डर मामले में बड़ा खुलासा, चार्जर से गला घोटकर छात्रा को उतारा था मौत के घाट, पुलिस जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में मौसी के घर से घर लौट रही अनीता नेगी की दिन दहाड़े चार्जर से गला घोटकर हत्या की गई है। उसके गले में चार्जर की तार लिपटी मिली है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। आरोपी ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया कि मौके पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है। ऐसे में पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं है। अनीता का शव उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर इस सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया था।